हेलो दोस्तों, चार्ली हियर एंड वेलकम बैक टू रूल ब्रेकर। और दोस्तों, आज साल का आखिरी दिन है। आई होप 2016 आपका अच्छा ही गया होगा। आई विश 2017 और भी अच्छा जाए। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भीम के बारे में। नहीं दोस्तों, ये वाला भीम नहीं, भीम ऐप के बारे में। BHIM, भारत इंटरफेस फॉर मनी। तो ज्यादा देर न करके आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि भीम ऐप क्या है, आप कहां से इसको डाउनलोड करेंगे, कैसे इसको इस्तेमाल करेंगे, कौन कौन सा बैंक भीम ऐप सपोर्ट करता है और आप कितना ट्रांजैक्शन कर सकते हैं भीम ऐप के थ्रू। तो दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी ने कैशलेस इंडिया करने के लिए एक और एप्लीकेशन लॉन्च किया है, जिसका नाम है भीम, BHIM, भारत इंटरफेस फॉर मनी। तो ये बेसिकली एक UPI बेस्ड डिजिटल पेमेंट एप्लीकेशन है। UPI यानी कि यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस। तो ये बेसिकली क्या करता है, ये एक कोई वॉलेट नहीं है, जैसे कि पेटीएम वॉलेट या फ्रीचार्ज वॉलेट आप अगर पहले यूज करते थे तो वॉलेट अलग चीज होता है। वॉलेट में क्या होता है, आपको बैंक से पैसा लोड करना पड़ता है, फिर आपको उसके थ्रू पेमेंट आप कर सकते हैं। लेकिन ये कोई वॉलेट नहीं है, ये डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट से कनेक्ट किया होगा। तो आप जब पेमेंट करेंगे डायरेक्ट आपके बैंक से ही करेंगे, मतलब बैंक से ही अगर आप पैसा सेंड करेंगे तो वहां से ही जाएगा, अगर रिसीव करेंगे तो वहां पे ही आएगा। ये कोई वॉलेट नहीं है। और दोस्तों, इसे आप मतलब डेली यूज की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने जैसा बोला है कि ये अब किसी भी शॉप में आप अगर शॉपिंग करें या फिर किसी भी जगह पे इंडिया में, पूरे इंडिया में ये वैलिड होगा, आप कहीं पे इसे यूज कर सकते हैं एज ए पेमेंट। तो दोस्तों, अब आता है आप कहां से भीम ऐप डाउनलोड करेंगे। भीम ऐप जो है अभी इंडिया में एंड्रॉइड के लिए लॉन्च हो चुका है, तो गूगल में जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और आईफोन के लिए या फिर iOS के लिए यह अभी लॉन्च नहीं हुआ है, लेकिन बहुत जल्दी लॉन्च हो जाएगा। लेकिन आप जब डाउनलोड करेंगे भीम ऐप, तब एक बार एक चीज ध्यान में रखिएगा, नोटिस कर लीजिएगा कि उसके जो डेवलपर हैं, भीम के जो डेवलपर हैं, वो NPCI है, यानी कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो ये एक बार चेक कर लीजिएगा कि डेवलपर वही है या फिर कोई दूसरा एप्लीकेशन है। अगर डेवलपर ये नहीं है तो ऐप वो ऐप फेक है, उससे मत डाउनलोड कीजिएगा। अब आते हैं कौन कौन सा बैंक सपोर्ट करता है भीम ऐप, मतलब आप कि अगर किसी बैंक पे अकाउंट हो तो आप भीम ऐप यूज कर सकते हैं या नहीं, ये बोलने वाला हूँ कि कौन कौन से बैंक सपोर्ट करता है भीम ऐप। तो कुछ लिस्ट में बोलने वाला हूँ, सुनिए। अलाहाबाद बैंक, आंध्रा बैंक, एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक, कनाडा बैंक, कैथोलिक सीरियन बैंक, DCB बैंक, देना बैंक, फेडरल बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, IDBI बैंक, IDFC बैंक, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, इंडसलैंड बैंक, कर्नाटका बैंक, करूर वैश्य बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, ओरिएंटेड बैंक ऑफ कॉमर्स, पंजाब नेशनल बैंक, RBL बैंक, साउथ इंडियन बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सिंडिकेट बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया एंड विजया बैंक। ये सारे बैंक भीम ऐप सपोर्ट करता है। अगर आपको मतलब आपका अकाउंट इस बैंक अकाउंट में से किसी अकाउंट मतलब किसी बैंक में है तो आप भीम ऐप यूज कर सकते हैं। और अब आता है हाउ टू यूज भीम ऐप, भीम ऐप आप कैसे यूज करते हैं। तो दोस्तों, प्ले स्टोर में जब आप ये एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, उसके बाद यहाँ पे ओपन कीजिए, जैसे यहाँ पे देखा हुआ ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपके पास आएगा, तब नेक्स्ट में क्लिक कीजिए। उसके बाद कुछ और डिटेल्स ऐप के बारे में आपको दिखाया होगा, फिर नीचे जो है लेट्स गेट स्टार्टेड में क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद एक और इन्फॉर्मेशन आएगा, सिंपली नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट करने के बाद आपको सिम चूज करने को बोलेगा, अगर आपका फोन डुअल सिम है तो सिम चूज करने को बोलेगा, सिंगल सिम है तो कोई बात नहीं, सिम चूज करके नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट करने के बाद आपको पिन मांगेगा, मतलब आप जब इस ऐप में लॉग इन करेंगे तो आपको पासवर्ड देना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं होता आपके फोन में ऐप है, आपका फ्रेंड या फिर कोई भी इसे एक्सेस कर सकता है, तो इसलिए एक पिन चाहिएगा। तो ये पिन यहाँ पे दे दीजिए, कोई भी नया पिन दे दीजिए, दो बार कन्फर्म करने को बोलेगा। उसके बाद आपको बैंक चूज करना है कि कौन से बैंक में आपका अकाउंट है, तो बैंक चूज कर लीजिए। और एक बात दोस्तों, अगर मतलब जब आप सिम चूज करेंगे और बैंक चूज करेंगे तो एक चीज उनमें कॉमन होना चाहिए कि उस बैंक में आपके बैंक अकाउंट पे यह नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए। अगर नहीं है तो रजिस्टर कर लीजिए, नहीं तो भीम ऐप जो है काम नहीं करेगा। बैंक चूज करने के बाद जब सक्सेसफुली बैंक सिलेक्ट हो जाएगा, उसके बाद आपको एक ऑप्शन यहाँ पे जैसे दिख रहा होगा आपको, क्रेडिट कार्ड का लास्ट 6 डिजिट बोलेगा,
कि क्रेडिट कार्ड का लास्ट 6 डिजिट एंटर कीजिए और एक्सपायरी डेट जो है एंटर कीजिए, उसके बाद सबमिट कर दीजिए, बस एंटर कर दीजिए, बस यू आर रेडी टू रॉक। आपका सब प्रोफाइल जो है तैयार हो चुका होगा, आप पेमेंट मतलब आप पेमेंट कर सकते हैं, रिसीव भी कर सकते हैं। और पेमेंट कैसे कर सकते हैं, आपको अगर किसी को पैसा भेजना है तो उसका मोबाइल नंबर चाहिए होगा, मतलब आप अगर किसी शॉप में जाके कुछ चीज खरीदेंगे तो उसका मोबाइल नंबर आपको चाहिए होगा, मोबाइल नंबर पे पैसा सेंड कर देंगे तो उसके बैंक अकाउंट में सेंड हो जाएगा। और अगर आप अपना मोबाइल नंबर नहीं सेंड करना चाहते तो ये ऐप आपको एक यूनिक QR कोड देगा, QR कोड के थ्रू भी आप पैसा जो है सेंड कर सकते हैं, उनका QR कोड स्कैन करके भी आप उनके अकाउंट में पैसा दे सकते हैं और डायरेक्ट बैंक अकाउंट पे जाएगा। और दोस्तों एक चीज और है, भीम ऐप के थ्रू आप पर ट्रांजैक्शन मैक्सिमम 10,000 यूज कर सकते हैं, मतलब एक ट्रांजैक्शन में 10,000 से ज्यादा पैसा आप इस्तेमाल नहीं कर सकते या लेन देन नहीं कर सकते, दे नहीं सकते या रिसीव नहीं कर सकते। और पर डे आप 20,000 का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं भीम ऐप के थ्रू। तो आई होप दोस्तों आप इस ऐप के बारे में सब कुछ आपको क्लियर हो चुका होगा। तो अगर आप इंडिया का रहने वाले हैं तो जरूर रजिस्टर कर लीजिए, भीम ऐप का भी काफी काम आने वाला है। और क्या ऐसे देखते रहिए रूल ब्रेकर। जय हिंद।